Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aaj hum padhenge unit 6 bioenergetics. Bioenergetics mein hum quantitative study karte hain energy ki, ke energy ki quantity kis tarah se kaun energy kaise ban rahi hai aur kahan kahan se ban rahi hai. Hamare paas do processes hote hain, photosynthesis and respiration. Photosynthesis jo hamari energy ko capture karta hai aur respiration mein energy release hoti hai, theek hai. Photosynthesis mein kaise energy capture hoti hai? Isme hamare paas energy poor inorganic compounds hote hain jisme carbon dioxide ya water unse hum energy rich organic carbohydrates banate hain jisme organic compounds banate hain jaise ki carbohydrates jisme energy hoti hai jisko hum khate hain to hum energy milti hai aur iske alawa ye organic hote hain theek hai main product jo hai photosynthesis ke wo yahi hote hain theek hai oxygen jo hai wo by product ke taur pe lete hain hum isko photosynthesis mein मोलर रेशियो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे इनऑर्गेनिक फेज में इनऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक बनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रेशियो मतलब अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करें तो दो वाटर यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की जो रेशियो है वो मेनटेन रहे ठीक है उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम रिड्यूस करते हैं ग्लूकोज बनाते हैं ठीक है और बाई टेकिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में सी भी है ओ भी है हमारे पास जो कार्ब्स होते हैं या ग्लूकोज होते हैं उसमें सी एच और ओ होने चाहिए तो हम हाइड्रोजन जो है वो वाटर से लेते हैं ठीक है हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है और उससे ऑक्सीजन बन जाता है ठीक है अब ये कार्बन जो है वो कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा हमें पता ही है हमने यहाँ पर इनऑर्गेनिक फेज में कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो उसी से कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन आई ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट्स में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड से आती है लेकिन जो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर के थ्रू होती है जैसे कि हमने यहाँ पर अभी पहले पढ़ा कि वाटर इज़ ऑक्सीडाइजिंग टू ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जो है रिलीज़ हो जाती है एटमोसफेयर में ऑक्सीजन जो एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही होती है वो हमारे पास वाटर से आती है फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज़ हो रहा होता है ठीक है वही वाली बात की जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ हुई कि रिलीज़ हुई रिलीज़ हुई या रेस्पिरेशन में यूज़ हुई एवोल्यूशन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ओजोन इज पैरेलल टू यूज़ ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस में जितना वाटर यूज़ हो रहा है उतनी ही हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और ओजोन बनेगी ठीक है और एरोबिक रेस्पिरेशन जो वो बॉडी के अंदर होती है और या फिर वो जब हम एक्सहेल करेंगे तो ऑक्सीजन बनेगी ऑक्सीजन से ओजोन बन सकती है ठीक है अब हमारे पास क्या होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट आई 1% लाइट जो है वो हमारे पास लाइट एनर्जी उस पर पड़ती है प्लांट्स पे ठीक है लाइट एनर्जी की फॉर्म में विजिबल स्पेक्ट्रम जो वो हमारे पास क्या होता है 380 to 750 नैनोमीटर के एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ठीक है द कलर्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर यूज इन फोटोसिंथेसिस मतलब वो जो कलर्स थे वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है और उनको हम फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं मतलब एब्जॉर्प्शन के थ्रू हम एनर्जी को कैप्चर करते हैं और प्लांट्स में यूज़ करते हैं अब एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास दो स्पेक्ट्रम होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब इसके लिए दो स्पेक्ट्रम होते हैं जो लाइट के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो कि एब्जॉर्प्शन डिफरेंट पिगमेंट्स के दिखा रहा होता है और एक एक्शन स्पेक्ट्रम होता है एक्शन स्पेक्ट्रम जो है यूज़ या इफेक्टिवनेस को शो कर रहा होता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की में फोटोसिंथेसिस में लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा बना है अब ये देखें जिस तरह ये हमारे पास दो ग्राफ है पहला वाला जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है दूसरा जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम है हमारे पास एब्जॉर्प्शन तो ऐसे हो रही है कि ब्रॉड मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की उन्होंने दिखाई हुई है और इससे हमें पता चला कि वैली ब्रॉड है मतलब दरमियान वाला जो पाथ है वो ब्रॉड है और जो पीक्स हैं वो नैरो और लॉन्ग हैं ठीक है लेकिन जो हमारे पास एक्शन होता है एक्शन स्पेक्ट्रम है उसमें हमारे पास ब्लू और रेड लाइट्स आती हैं और इसमें क्या होता है कि नैरो वैली होती है और पीक्स जो हैं वो ब्रॉड हैं देखें मतलब थोड़ी चौड़ी सी हैं पीक्स और वैली जो है वो इतनी चौड़ी नहीं है जिस तरह के हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में थी ठीक है क्लोरोफिल ए जो है इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास वायलेट ब्लू लाइट होती है जो कि 400 to 500 नैनोमीटर पे काम करती है ऑरेंज रेड लाइट होती है जो कि 600 to 700 पे काम करती है नैनोमीटर पे और ग्रीन येलो लाइट होती है जो कि 500 to 600 पे काम करती है मतलब विप के और में अगर हम देखें तो सबसे पहले वायलेट ब्लू ठीक है ना फिर जी वाई कर लें और फिर ऑरेंज वाइट हो गया इस तरह क्लोरोफिल ए जो है वो अब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा ठीक है और सेकंड हाइट जो है वो रेड की होती है क्लोरोफिल ए के लिए ठीक है जैसे हमने यहाँ पर देखा कि पहले सबसे ज़्यादा वायलेट ब्लू लाइट और उसके बाद रेड
इसमें ये अब्सॉर्ब नहीं करता ग्रीन येलो लाइट, ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन येलो लाइट को, ठीक है। लेकिन इसी वजह से जो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन या येलो नज़र आ रहा था, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है लाइट, उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है। येलो कलर जो है वो मास्क हो जाता है ग्रीन कलर की वजह से, ठीक है। क्लोरोफिल ये एब्जॉर्ब करता है वायलेट कलर, मैक्सिमम वायलेट कलर को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल बी जो मैक्सिमम जो है वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल बी जो है उसका एक कॉमन कैरेक्टर होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और रिफ्लेक्शन में। डिफरेंस क्लोरोफिल ए का वायलेट है और मैक्सिमम, और क्लोरोफिल बी ब्लू है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं हमारे पास, वही जो कि एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और ये ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। वायलेट ब्लू जो है उसकी हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होती है। ग्रीन येलो की भी एब्जॉर्प्शन थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ऑरेंज रेड की बिल्कुल नहीं होती जैसे हमने। उसके बाद हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वायलेट ब्लू रेंज को मैक्सिमली, और ग्रीन येलो जो है रेंज विच आर एब्जॉर्ब बाय कैरोटीनॉइड्स बट रिफ्लेक्टेड बाय क्लोरोफिल, मतलब कैरोटीनॉइड्स ने इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जिससे हमने यहाँ पे देखा, लेकिन जो क्लोरोफिल ने जब वो लाइट गई है तो उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। ऑरेंज रेड के लिए इससे ऑपोजिट होगा। टी डब्ल्यू एंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, उसने स्पायरोज़ाइला पे काम किया था, और हम अप्लाई करें इक्वल इंटेंसिटी डिफरेंट वेवलेंथ की, तो मोस्ट इफेक्टिव जो होता है ना वो रेड होता है, मतलब इफेक्टिवनेस रेड की ज़्यादा होती है और जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्लू की ज़्यादा होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल होता है और येलो एंड रेड टू ऑरेंज जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं और क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है, उसमें हमारे पास ए बी सी एंड डी होते हैं जो कि यूकेरियोट्स में होते हैं, प्लांट्स में ए और बी होते हैं, मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो कि प्लांट्स में हम देखते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है और ये हमारे पास हर फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स में होता है, मतलब प्लांट में। अदर हैव रोल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड सप्लाइड, बाकी सारों का काम ये होता है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। जैसे कि कैरोटीनॉइड जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। कैरोटीन से याद रख लें कि आर और ओ, ऑरेंज और रेड, मतलब रेड और ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल जो है वो एक्स और वाई, ठीक है। तो ज़ैंथोफिल येलो का एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ये ब्रॉडन करते हैं, वी बी ओ आर प्लस जी वाई बी कुछ एब्जॉर्प्शन होती है लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। और ये मतलब ये कैरोटीनॉइड्स को उन्होंने यूज़ बताया है कि एक तो ब्रॉडन करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, मतलब ये और कलर्स को भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और उसके अलावा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्लोरोफिल को जब इंटेंसिटी लाइट की जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से ये एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो लूज़ करते हैं हीट की फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी जो है वो कैरोटीनॉइड से बी में, क्लोरोफिल बी में जाती है सबसे पहले, फिर क्लोरोफिल ए में आती है। हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। उसके अलावा एटीपी बनता है क्योंकि लाइट डिपेंडेंट फॉस्फोरिलेशन होती है एडीपी प्लस पीआईके, और उससे एटीपी बन जाता है, एड्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिससे हमारे पास 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होती है एक एडीपी से। उसके बाद एनएडीपी H2 जो है उससे एनएडीपी पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2, मतलब इस तरह से होता है कि एनएडीपी H2 किस तरह से बना, NADP पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H पॉजिटिव मिलते हैं और इससे NADPH बनता है और हाइड्रोजन बनता है। इसको, इस प्रोसेस को हम फोटो रिडक्शन कहते हैं कि मतलब लाइट आई और लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका फ्लो हुआ और हमें जो है वो रिडक्शन होगी NAD पॉजिटिव की NADPH2 में। हमारे पास डिस्कवरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास PS1 होता है जो कि जिसको हम P700 भी कहते हैं, और PS2 होता है जिसको हम P680 भी कहते हैं। फोटो एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन की, क्लोरोफिल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो क्या करता है, उसके अलावा हाइड्रोलिसिस हो रही होती है वाटर की। वाटर की हाइड्रोलिसिस में हमारे पास देखें दो हाइड्रोजन है, हाफ मतलब ऑक्सीजन है और दो इलेक्ट्रॉन है। फोटोलाइसिस एटमोसफेयर इज़ यूज फॉर
एरोबिक रेस्पिरेशन, लाइट फ्रॉम क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है ना वो फोटोसिस्टम वन से पहले आते हैं और फिर फोटोसिस्टम टू में. वो होल जो है फोटोसिस्टम वन के टू के फिल करते हैं बाय दो टू इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय वाटर. पहले हमारे पास फोटोसिस्टम टू में आती है और उसके बाद फोटोसिस्टम वन में, ठीक है. पी उसके बाद लाइट जो है दो इलेक्ट्रॉन जब हम रिलीज करते हैं एनर्जी, जब हम वो हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, जब तब भी रिलीज़ करते हैं एनर्जी. जिस तरह देखें ये हमारे पास पी आई ए है,